हाल ही में एक AI चैटबॉट बहुत फेमस हो रहा है जिसका नाम है ChatGPT। पर क्या ये हम इंसानों के लिए एक वरदान है या फिर हमारा अंत? क्या फ्यूचर में AI हम पर हावी हो जाएगा या फिर इनसे हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मैं आपको 6 ऐसी मूवीज बताता हूँ जो AI पर बेस्ड है, जो कहीं ना कहीं हमें एक विजन दिखाती है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको इन मूवीज को जरूर देखना चाहिए। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं उन मूवीज की ओर। नंबर 6 की मूवी ईयर 1968 की है, पर इसका लेवल एंड कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर से कम नहीं है। इंसानों को चांद पर एक अजीब सी चीज मिली है जो कि जुपिटर प्लैनेट की ओर सिग्नल भेज रही है। तो कुछ सालों बाद 5 लोगों का क्रू एक बड़े से स्पेसशिप में जुपिटर की ओर निकल पड़ते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि उस शिप को कंट्रोल कर रहा है एक सुपर कंप्यूटर। तो क्या होगा जब इंसान उसके अगेंस्ट जाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ साइफा एडवेंचर मूवी 2001 अ स्पेस ओडिसी की। ये मूवी करीब 50 साल पुरानी है, आज भी इसका कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन लगता है। अब बस आप अभी इसे देखने जाओगे तो इसके विजुअल्स आपको इतने पसंद ना आए, अदरवाइज तो ये इंटरस्टेलर को टक्कर दे दे। और एंड में तो भाई ये मूवी आपके दिमाग का दही कर देगी। इसलिए इस मास्टरपीस को पूरी फैमिली के साथ जरूर देखना। अगली मूवी ने नहीं आपके होश उड़ाया तो बताना। फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉप्स को क्राइम होने से पहले ही बता देती है कि क्रिमिनल कौन है, जिससे दुनिया में क्राइम कभी होती ही नहीं। पर एक दिन वही टेक्नोलॉजी हमारे हीरो को क्रिमिनल बताती है, तो वो अपनी जी जान लगा देता है उस सिस्टम को गलत साबित करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 2002 की साइफा एक्शन मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट की। कॉन्सेप्ट हो या CGI, ये मूवी अपने टाइम से बहुत ही आगे थी और उसका सारा क्रेडिट जाता है स्टीवन स्पीलबर्ग को। एक्शन के मामले में भी ये बहुत कड़क है, वो भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और इसमें फ्यू किसिंग सीन्स है। चैपी एक पुलिस रोबोट है जिसे कुछ क्रिमिनल चुरा लेते हैं और फिर उसके अंदर एक ऐसा प्रोग्रामिंग डाला जाता है जिससे वो इंसानों की तरह सोच एंड फील कर सकता है। और अब क्योंकि वो गलत हाथों में है, उसे गलत काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बात कर रहा हूँ 2015 की साइफा एक्शन मूवी चैपी की। मूवी हमें टेक्नोलॉजी की अच्छी एंड बुरी दोनों बातें बताती है। लिटरली चैपी रोबोट से आप पूरा टाइम कनेक्टेड रहोगे, एक्शन भी इसमें भर भर के, एंड इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 3 की मूवी बस एक बार देख लो, फिर ये कई दिनों या हफ्तों तक आपको सोच में डाल देगी। एक यंग प्रोग्रामर को एक एडवांस AI रोबोट को एग्जामिन करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है और वो रोबोट एक फीमेल है। देखते ही देखते उस लड़के को उस AI से प्यार हो जाता है। अब आपको लगेगा कि मशीन को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है, एंड फिर हैप्पी एंडिंग एंड मूवी खत्म। पर काश ऐसा होता। मैं बात कर रहा हूँ 2014 की साइफाई थ्रिलर मूवी एक्स मकीना की। मूवी जिस नोड पर शुरू होती है जिस पर खत्म, वो आपके होश उड़ाने वाला है। ट्रस्ट मी, आपका AI से भरोसा उठ जाएगा। एक पॉइंट के बाद मूवी इतनी डार्क हो जाएगी कि पूछो मत, एंड इसे आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो, पर ये 18+ है। नेक्स्ट मूवी रोमांटिक है, एंड ये आपका दिल छूने के लिए बनी है। थियोडोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है ताकि उसकी लाइफ आसान हो सके, पर देखते ही देखते उसे उस OS से प्यार हो जाता है। अब ये लव स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी, ये तो आप फिल्म देख के ही जानोगे। मैं बात कर रहा हूँ 2013 की साइफाई रोमांस मूवी हर की। गाइस ये लव स्टोरी थोड़ी यूनिक है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। सच में लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, प्लस जैकुइन फिनिक्स की एक्टिंग एंड स्कारलेट जॉनसन की वॉइस फिल्म में 4 चांद लगा देती है। इसे आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो, पर ये 18+ है। नंबर 1 मूवी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूं। हमारी लिस्ट की पहली मूवी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये तो लाखों में एक है। मशीनों ने इंसानों पर कब्जा कर लिया है और यहीं से शुरू होती है वॉर इंसानों वर्सेस मशीन्स की, विद 3 पार्ट्स। मैं बात करो साइफा एक्शन फ्रेंचाइज द मैट्रिक्स की। गाइस अगर कभी मशीन हम पर हावी हो गए तो ये मूवी हमारा फ्यूचर होगा। पर कुछ भी कहो, ये फ्रेंचाइज एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, इसलिए आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है। एंड इस मास्टरपीस को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हो, पर ये 18+ है। तो ये थे 6 बेस्ट मूवीज ऑन AI जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी कड़क हॉलीवुड मूवीज के लिए राइट वाला वीडियो, एंड आपकी पसंदीदा टॉप 10 के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना। इससे बातें करनी है तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे। टिल देन बाय बाय, सी यू, पीस आउट।